मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। 300 फरियादियों की सुनी फरियाद। अधिकारियों से कहा जरूरतमंदों को आवास इलाज का करें इंतजाम, माफियाओं पर कसें लगाम। कोहरे में ट्रेन को चलाने के लिए ट्रेनों में लगाया जा रहा है फॉग सेफ डिवाइस। सिग्नल आने से पहले दे देता है जानकारी। ट्रेनों की स्पीड कर दिया जाता है कम। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। 60 साल के ऊपर की महिलाओं के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा बजट पास होने पर सदर सांसद रवि किशन ने कहा, सरकार का फैसला ये बहुत ही है सराहनीय। मुख्यमंत्री योगी व प्रधानमंत्री मोदी को दिया धन्यवाद। युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग गोरखपुर के तत्वावधान में एक दिवसीय जनपद स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम का योगी बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में किया गया आयोजन। 150 से ज्यादा प्रतिभागियों ने लिया भाग, अपने प्रतिभा का किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के खेल व युवा कल्याण विभाग के मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज पंचम अखिल भारतीय प्राइज मनी कबड्डी प्रतियोगिता का नारियल फोड़ कर किया शुभारंभ। 12 टीम के 150 खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समापन के अवसर पर विजयी खिलाड़ियों को करेंगे सम्मानित। विकास भवन सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की आयोजित हुई बैठक। जिले में चल रहे विभिन्न अभियानों को सफल बनाने पर दिया गया जोर। सभी ने TB उन्मूलन का लिया संकल्प। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने सुबह शहर के विभिन्न इलाकों में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन व्यवस्था का किया निरीक्षण। कहा, सुबह 8:30 बजे तक वार्डों से कूड़ा नहीं हटाया गया तो सफाई निरीक्षक और कर्मचारियों के साथ ही उनके खिलाफ भी की जाएगी कार्रवाई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से विश्व एड्स दिवस पर निकाली गई जन जागरूकता रैली। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राम कृपाल और CMO ने रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। गोरखपुर महानगर के सभी 13 रैन बसेरों में पूरे कर लिए गए हैं यात्रियों के ठहरने के इंतजाम। इन रैन बसेरों में महिलाओं और पुरुषों के लिए की गई है बेहतर व्यवस्था।